हेलो एवरीवन, वेलकम टू ईपैब एकेडमी। हम वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग डिस्कस कर रहे हैं। वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग में हमने यूनिट फर्स्ट डिस्कस कर लिया है, यूनिट सेकंड हम डिस्कस कर रहे हैं। यूनिट सेकंड में हमने डिस्कस किया वाटर डिमांड, उसके बाद हमने डिस्कस किया टाइप्स ऑफ वाटर डिमांड, उसके बाद हमने डिस्कस किया पर कैपिटा डिमांड, वाटर डिमांड का मतलब जल की मांग। पर कैपिटा डिमांड के बाद हमने डिस्कस किया फैक्टर्स अफेक्टिंग अफेक्टिंग पर कैपिटा डिमांड, पर कैपिटा डिमांड को प्रभावित करने वाले कारक। उसके बाद हमने देखा वेरिएशन इन वाटर डिमांड जल की मांग में उतार चढ़ाव। उतार चढ़ाव फिर हमने देखा डिजाइन पीरियड। डिजाइन पीरियड मीन्स अभिकल्पन काल, वाटर सप्लाई सिस्टम का अभिकल्पन काल। अभिकल्पन काल क्या होता है, इसके बारे में डिस्कस किया। इन दिस वीडियो हम डिस्कस करेंगे पॉपुलेशन फोरकास्टिंग। पॉपुलेशन फोरकास्टिंग पॉपुलेशन फोरकास्टिंग के बारे में। पॉपुलेशन फोरकास्टिंग का मतलब क्या होता है, जनसंख्या का पूर्वानुमान लगाना। पॉपुलेशन फोरकास्टिंग में पढ़ने की नीड क्यों पड़ी वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग में? जो वाटर सप्लाई स्कीम होता है, हम लोग इसको डिजाइन करते हैं 20 to 30 ईयर के लिए। जिस पार्टिकुलर कम्युनिटी के लिए हम वाटर सप्लाई स्कीम डिजाइन कर रहे होते हैं, हम वहाँ की डिमांड को फाइंड करते हैं कि यहाँ पर कितना वाटर रिक्वायर्ड है, उसी अकॉर्डिंग हम वाटर सप्लाई स्कीम डिजाइन करते हैं। प्रेजेंट का हमें डिमांड पता चल जाता है, लेकिन जो डिजाइन हम 20 to 30 ईयर के लिए करते हैं, तो क्या होगा, यहाँ की डिमांड वेरी करेंगी। मीन्स यहाँ पर जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन भी बढ़ेगी। तो पॉपुलेशन बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ेगा, तो इसलिए हमें आने वाले 20 to 30 ईयर मीन्स आगे की भी हमें पॉपुलेशन को फाइंड करना होता है। तो प्रेजेंट पॉपुलेशन तो हम सेंसस से फाइंड कर लेंगे, जनगणना से पता कर लेंगे, लेकिन जो फ्यूचर पॉपुलेशन है उसी को डिटरमाइन करने के लिए हम लोग जो है पॉपुलेशन फोरकास्टिंग मेथड को पढ़ते हैं। ठीक है, हम लोग अब आगे डिस्कस करते हैं इसके बारे में। पॉपुलेशन, पॉपुलेशन जैसे आप लोग जानते हैं, पॉपुलेशन का मतलब क्या होता है, जनसंख्या होता है। आफ्टर डिसाइडिंग द क्वांटिटी ऑफ वाटर रिक्वायर्ड बाई एन इंडिविजुअल, द नेक्स्ट स्टेप इन द डिजाइन ऑफ वाटर सप्लाई स्कीम विल बी टू फाइंड द टोटल क्वांटिटी रिक्वायर्ड बाई ए कम्युनिटी, नोइंग द प्रेजेंट पॉपुलेशन फ्रॉम द मोस्ट रिसेंट सेंसस। सेंसस मतलब क्या, जनगणना। इट इज पॉसिबल टू डिटरमाइन द प्रेजेंट डिमांड, बट फॉर द डिजाइन पर्पज फ्यूचर डिमांड इज रिक्वायर्ड। क्यों फ्यूचर डिमांड रिक्वायर्ड होता है, क्योंकि जो हमारा डिजाइन पीरियड है वो लिया जाता है 20 to 30 ईयर्स। ठीक, जैसा हमने अभी डिस्कस किया कि हमें जो डिजाइन वाटर सप्लाई स्कीम डिजाइन करते हैं 20 to 30 ईयर के लिए डिजाइन करते हैं, तो हमें फ्यूचर पॉपुलेशन भी फाइंड करना हो पड़ेगा, क्योंकि पॉपुलेशन जो है 20-30 ईयर में बढ़ेगी। तो प्रेजेंट पॉपुलेशन हम जो है लास्ट सेंसस जो रिसेंट में हुआ होगा वहाँ से फाइंड कर लेते हैं, लेकिन जो फ्यूचर पॉपुलेशन है उसको डिटरमाइन करने के लिए क्या करेगा पड़ेगा, हमें पॉपुलेशन की फोरकास्टिंग करना पड़ेगा। इसीलिए पॉपुलेशन फोरकास्टिंग को हम लोग पढ़ते हैं। ठीक, देखते हैं कौन कौन से मेथड्स हैं पॉपुलेशन फोरकास्टिंग के। मेथड्स ऑफ फोरकास्टिंग पॉपुलेशन मतलब जनसंख्या की पूर्वानुमान
लगाने की विधि की मेथड से, मीन विधियां कौन कौन से मेथड से फाइंड करते हैं। ठीक, जनरली जो मेथड्स हैं वो हमारे अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड्स, ज्योमेट्रिकल इंक्रीज मेथड, इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड, ग्राफिकल मेथड एंड कंपेरेटिव मेथड्स। अर्थमेटिकल इंक्रीज मेथड्स का मतलब हुआ गणितीय बढ़ोतरी विधि, ज्योमेट्रिकल इंक्रीज मेथड का मतलब हुआ ज्यामितीय बढ़ोतरी विधि, इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड का मतलब हुआ बढ़ोतरी दर के अनुरूप वृद्धि विधि, बढ़ोतरी दर के अनुरूप वृद्धि विधि। ग्राफिकल का मतलब क्लियर ही है, रेखाचित्र विधि। तुलनात्मक मेथड्स, कंपेरेटिव मेथड का मतलब होता है तुलनात्मक मेथड, तुलनात्मक विधि। ठीक, और ग्राफिकल का मतलब रेखा चित्र विधि या रेखा चित्रीय विधि। अब हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड, इन दिस मेथड इट इज एज्यूम दैट द पॉपुलेशन इंक्रीज एट कांस्टेंट रेट। जो इस मेथड में एज्यूम किया जाता है कि जो पॉपुलेशन इंक्रीज कर रही है उसका रेट जो है कांस्टेंट है, मींस फिक्स है। द पॉपुलेशन कैन बी फाउंड आउट एट द एंड ऑफ एन डिकेड्स आर एन ईयर्स। पॉपुलेशन जो है एन डिकेड्स मीन नंबर ऑफ, जितने डिकेड मतलब क्या दशक, आर नंबर ऑफ ईयर्स के अंत तक हम फाइंड कर सकते हैं। उसको फाइंड करने के लिए जो मेथड्स होता है, फार्मूला जो होता है वो होता है पी एन इज इक्वल टू पी जीरो प्लस एन एक्स बार, वेयर पी एन जो है हमारा वो होता है फोरकास्टेड पॉपुलेशन आफ्टर एन डिकेड्स। जो हमारा एन डिकेड से नंबर ऑफ डिकेड से उसके बाद की जो फोरकास्टेड पॉपुलेशन होता है वो हमारा पीएन होता है, और जो पी जीरो होता है वो होता है इनिशियल पॉपुलेशन या जिसको बोलते हैं प्रेजेंट पॉपुलेशन। एन होता है हमारा नंबर ऑफ डिकेड्स बिटवीन लास्ट सेंसस एंड फ्यूचर, मीन्स जो हमारा लास्ट सेंसस हुआ है सपोज करो वो 2010 में हुआ है, ठीक, और फ्यूचर की पॉपुलेशन में फाइंड करना है 2030 का। तो यहाँ पर जो एन की वैल्यू होगा 2010 से 2030 के बीच में कितना कितने डिकेट्स होंगे, 20 एंड 30 मीन्स 2 डिकेट्स हो गए, यहाँ एन इज इक्वल टू हो जाएगा 2। और जो एक्स बार है, एक्स बार हमारा होता है एवरेज पॉपुलेशन इंक्रीज इन द नोन डिकेट्स। एक्स बार हमारा क्या होता है, एवरेज इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन होता है किसके, बिटवीन नोन डिकेट्स। अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड को हम लोग यूज करते हैं फॉर ओल्डर सिटी, ओल्ड सिटी लिख सकते हैं, ओल्ड सिटी। ठीक, जो पुराने सिटी हैं, पुराने शहर हैं, उनके लिए हम कौन सा अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड का यूज करते हैं। ठीक, इस पर बेस्ड हम न्यूमेरिकल देखते हैं। द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन ऑफ फोर डिकेड्स गिवेन बिलो फ्रॉम 1971 टू 2001, फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ टाउन इन 2011 एंड 2021 बाई अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड। फोर डिकेट्स की पॉपुलेशन गिवेन है और तो हमें 2011 एंड 2021 की जो है पॉपुलेशन फाइंड करना है। ईयर गिवेन है और पॉपुलेशन किस ईयर में कितना है ये गिवेन है। हम एक टेबल बनाएंगे, टेबल कुछ इस फॉर्म में बनाएंगे जिसमें एक कॉलम में लिखेंगे ईयर्स 1971, 81, 91 एंड 2001 जो क्वेश्चन में गिवन है। फिर दूसरे कॉलम में लिखेंगे पॉपुलेशन, कितना पॉपुलेशन है पर्टिकुलर ईयर में, तो 20,000, 24,500, 29,500 एंड 35,200। उसके बाद फिर हम देखेंगे, हमें अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड से निकालना है पॉपुलेशन। अर्थमेटिक इंक्रीज का फार्मूला क्या है, पी एन इजक्वल टू पी जीरो प्लस एन एक्स बार। ठीक, तो हमें फाइंड क्या करना है, पी एन।
पी एन फाइंड करने के लिए हमें पी नॉट, पी नॉट जो क्वेश्चन में गिवन है, हमें एन और एक्स बार फाइंड करना। एन भी गिवन है, कैसे गिवन है, जिस पर्टिकुलर पॉपुलेशन, पर्टिकुलर डिकेड्स या पर्टिकुलर ईयर में पॉपुलेशन फाइंड करना है, वो इनिशियल पॉपुलेशन, इनिशियल जो पॉपुलेशन गिवन है वहाँ से हम डिकेड्स काउंट कर लेंगे। एक्स बार हमें काउंट करना है, एक्स बार हमारा क्या होता है, एवरेज इंक्रीज होता है बिटवीन द डिकेड्स। अब उसको कैसे फाइंड करेंगे, उसके लिए कॉलम बनाए इंक्रीज इन पॉपुलेशन, उसको एक्स डिनोट कर दिए। तो 1971 से 1981 के बीच में कितना पॉपुलेशन का इंक्रीज हुआ, तो उसको हम क्या करेंगे, 1981 से जितना पॉपुलेशन है वो माइनस कर देंगे 1971 की पॉपुलेशन से। तो 24,500 माइनस 20,000 अगर हम करेंगे तो हमें ऑप्टेन होगा 4,500। सिमिलरली 91 से 81 की पॉपुलेशन को माइनस करेंगे हमें 5,000 मिलेगा, और सिमिलर 2001 से 91 की पॉपुलेशन माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 5,700। ठीक, हमें एक्स की वैल्यू हमें पता चल गई, ये हो गया हमारा एक्स वन, एक्स टू एंड एक्स थ्री। हमें फाइंड क्या करना है, एक्स बार, एक्स बार फाइंड करने के लिए मीन्स एक्स हमें निकालना होगा एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री का एवरेज। तो इसके लिए हम करेंगे एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री डिवाइड बाई थ्री। यहाँ पर हम एक्स बार की वैल्यू कैलकुलेट कर लिए, डिवाइड तीनों को ऐड करके डिवाइड बाई थ्री किया और हमें ऑब्टेन हुआ 5,066.6। ठीक, इसको अप्रॉक्स में हमने लिख लिया 5,067, एक्स बार की वैल्यू हमें पता चल गई। हमारा फार्मूला हमें पता है, पी एन इक्वल टू पी नॉट प्लस एन एक्स बार। अब पॉपुलेशन हमें 2011 में फाइंड करना है, तो हमारा जो पी एन होगा वो क्या हो जाएगा, 2011 की पॉपुलेशन फाइंड करना है। ठीक, फोरकास्टेड पॉपुलेशन हमारा, तो यहाँ पर हो जाएगा पी एन हो जाएगा 2011, और यहाँ पर पी नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, जो पी नॉट है, पी नॉट हमारा लास्ट जो हमारा रिसेंट लास्ट जो पॉपुलेशन गिवन है, ठीक, इनिशियल पॉपुलेशन में कितना गिवन है, 35,200। इस पॉपुलेशन को यहाँ पर हम लिख दिए पी नॉट की जगह पर, प्लस एन एक्स बार, और जो एन की वैल्यू है हमें पता होना चाहिए, हमें फाइंड करना है पॉपुलेशन 2011 की, हमें 2001 की पॉपुलेशन गिवन है, तो मीन 2001 एंड 2011 के बीच में नंबर ऑफ डिकेड्स कितना है, नंबर ऑफ डिकेड्स हमारा है वन। ठीक, वन डिकेड इज इक्वल टू 10 ईयर, तो यहाँ पर एन इज इक्वल टू 1 मेंशन कर दिए। फिर उसके बाद एक्स बार, एक्स बार की वैल्यू हमें पता है 5,067 है, उसको पुट कर दिए और हम कैलकुलेट किए और हमें वैल्यू ऑब्टेन हुई 2011 में 40,267। यही हमारा आंसर होगा पर पॉपुलेशन इन 2011। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमें फाइंड करना है पॉपुलेशन इन 2021। सिमिलर हमें करना है, बस केवल चेंज थोड़ा सा होगा, यहाँ पर 2001 से 11 में फाइंड करना था, और 2021 के केस में क्या होगा, 2011 की गिवन है 2001 की पॉपुलेशन हमें गिवन है, फाइंड करना है 2021। यहाँ पर नंबर ऑफ डिकेट कितने हो जाएंगे, 2001 टू 2021 मीन्स 20 ईयर्स, एन इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 2, और बाकी सारी वैल्यू सेम। यहाँ पर पी एन की वैल्यू हमें फाइंड करना, जो फोरकास्टेड पॉपुलेशन हमारा क्या है, पी एन हमें फाइंड करना है 2021 की, तो एन की जगह पर 2021 रख दिए। पी नॉट या पी जीरो की वैल्यू हमें गिवन है लास्ट में कितना, 35,200, वो वैल्यू पुट कर दे। एन की वैल्यू 2, एक्स बार की वैल्यू हम फाइंड कर लिए 5,067, और इसको कैलकुलेट किए हमें वैल्यू ऑब्टेन हो जाएगी 45,334, और यही हमारा पॉपुलेशन इन 2021 होगा। ठीक, आई होप सभी को समझ में आया होगा। फिर उसके आगे हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट पॉपुलेशन फोरकास्टिंग मैथड, जो कि है जियोमेट्रिकल इंक्रीज मैथड। ठीक, ज्यामितीय बढ़ोतरी विधि। इन दिस मेथड इट इज अज्यूम्ड दैट द परसेंटेज ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन बी कांस्टेंट। दिस मेथड इज आल्सो नोन एज यूनिफॉर्म इंक्रीज मेथड। इस मेथड को हम यूनिफॉर्म इंक्रीज मेथड के नेम से भी जानते हैं, और इस मेथड में जो परसेंटेज ग्रोथ रेट है उसको हम क्या कांस्टेंट मानते हैं, उसको हम कांस्टेंट मानते हैं। ज्योमेट्रिकल इंक्रीज मेथड को हम लोग यूज करते हैं फॉर यंग सिटीज, यंग रैपिडली ग्रोइंग सिटी के लिए, और जबकि हमारा अर्थमेटिक मेथड था उसको हम किसके कौन से सिटी के लिए यूज करते थे, फॉर ओल्डर सिटी या ओल्ड सिटी के लिए यूज करते हैं। ज्योमेट्रिकल इंक्रीज मेथड में पॉपुलेशन फाइंड करने का जो फार्मूला है हमारा होता है पी एन इज इक्वल टू पी नॉट वन प्लस आर R डिवाइड बाई 100 n, वेयर n क्या है,
एज हम पहले ही मेंशन कर चुके हैं, फोरकास्टेड पॉपुलेशन आफ्टर एन डिकेड, पी नॉट इनिशियल पॉपुलेशन आर प्रेजेंट पॉपुलेशन, वन प्लस आर, आर यहाँ पर होता है पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, किसमें ये परसेंटेज में होता है, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इन परसेंटेज डिवाइड बाय 100, एन क्या होता है, एन होता है नंबर ऑफ डिकेड्स बिटवीन नॉन पॉपुलेशन एंड फाइनल पॉपुलेशन जिसको हमें कैलकुलेट करना है। आर की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम यहाँ पर कुछ मेथड्स का यूज करते हैं, कौन कौन सा मेथड, फर्स्ट मेथड से आर इक्वल टू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री प्लस आर फोर टी टाइम है डॉट डॉट आर टी डिवाइड बाई टी। यहाँ आर जब अर्थमेटिक मीन मेथड का यूज करेंगे तो इस मेथड से हम लोग आर को फाइंड करेंगे। और दूसरा मेथड है जियोमेट्रिक इंक्रीज मेथड या जियोमेट्रिक मीन मेथड। जियोमेट्रिक मीन मेथड से हम कैसे फाइंड करेंगे इसको, आर परसेंटेज जो फाइंड करेंगे वो हम जो क्या करेंगे, जितने नंबर आर टाइम्स है, टी टाइम्स है तो टी मेंशन करेंगे, रूट होल का रूट लगाएंगे, फिर आर वन आर टू आर थ्री डॉट डॉट जितने टाइम है टी टाइम्स है टी, और ये हमारा हो जाएगा जियोमेट्रिक इंक्रीज मेथड। जब हम अर्थमेटिक मीन से वैल्यू को फाइंड करेंगे और ज्योमेट्रिक मीन की वैल्यू फाइंड करेंगे तो हम देखेंगे जो हमारा अर्थमेटिक मीन की वैल्यू है ज्योमेट्रिक मीन से ज़्यादा आती है, इसलिए मोर सुटेबल रहेगा कि हम अर्थमेटिक मीन को यूज करें टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आर। इस बार बेस भी अभी हम न्यूमेरिकल देखेंगे, ठीक है, पहले मैथड्स को हम डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट है इंक्रीमेंटल इंक्रीज मैथड। इन दिस मेथड रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इज नॉट एज्यूम टू बी कॉन्स्टेंट, इट मे बी इंक्रीज और डिक्रीज। इसमें जो ग्रोथ रेट है पॉपुलेशन का इसको हम कॉन्स्टेंट नहीं मानते हैं, ये इंक्रीज भी कर सकता है और डिक्रीज भी कर सकता है। दिस मेथड इज एन इम्प्रूवमेंट ओवर द अर्थमेटिकल इंक्रीज मेथड। जो हमारा इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड है ये मॉडिफाइड फॉर्म है या इम्प्रूवमेंट है किसका, अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड का, अर्थमेटिकल इंक्रीज मेथड का। इसके लिए जो फार्मूले का हम यूज करेंगे वो फार्मूला होगा हमारा पी एन इक्वल टू पी एन, हमें पता है पी नॉट प्लस एन एक्स बार प्लस एन एन प्लस वन डिवाइड बाई टू इंटू वाई बार। सारे कॉन्स्टेंट हमें पता है, पी नॉट क्या होता है, एन क्या है, एक्स बार क्या है, ठीक है, एन उसके इसमें एक नया जो टर्म आया है वो आया है वाई बार। वाई बार क्या होता है, वाई बार होता है एवरेज इंक्रीमेंटल इंक्रीज इन पॉपुलेशन, ठीक। एक्स बार क्या था, एवरेज इंक्रीज इन पॉपुलेशन था कि जो भी डिफरेंट डिकेड था उनके बीच में पॉपुलेशन जो इंक्रीज करता है उसका एवरेज एक्स बार था, लेकिन जो वाई बार है वो इंक्रीमेंटल इंक्रीज है, एवरेज ऑफ इंक्रीमेंटल इंक्रीज इन पॉपुलेशन, ठीक है, ये हमारा इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड है, ठीक। इसके पर इस पर बेस भी हम न्यूमेरिकल करेंगे। पहले हम करते हैं ज्योमेट्रिकल मीन पर, जो जो हमारा ज्योमेट्रिकल इंक्रीज मेथड है, यहाँ पर इसको करेंगे ज्योमेट्रिकल इंक्रीज मेथड पर बेस्ड जो न्यूमेरिकल है उसको हम फर्स्टली डिस्कस करते हैं। सेम न्यूमेरिकल जिसको हमने अर्थमेटिक मीन मेथड से किया, अगर इसी न्यूमेरिकल को हमें फाइंड करना हो, सॉल्व करना हो ज्योमेट्रिकल इंक्रीज मेथड से, ठीक, तो ज्योमेट्रिकल इंक्रीज मेथड से हम जो फाइंड करेंगे, कैसे फाइंड करेंगे देखते हैं। क्वेश्चन में गिवन है हमारा 1971 में पॉपुलेशन कितना है, 1981 में पॉपुलेशन, 1991 में एंड 2001 में पॉपुलेशन गिवन है। अब हमें फाइंड क्या करना है, पॉपुलेशन फाइंड करना है किस कौन कौन से ईयर में, क्वेश्चन ऊपर भी हम डिस्कस कर चुके वही क्वेश्चन है, बस इसका मेथड चेंज है, यहाँ पर ज्योमेट्रिकल इंक्रीज से फाइंड करेंगे। पॉपुलेशन हमें 2011 में फाइंड करना था, उसके अलावा 2021 में फाइंड करना है, ठीक। मेथड्स हमारा है अर्थ ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड। ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड का हमने फार्मूला अभी डिस्कस किया है, वो कौन सा है, पी एन इक्वल टू पी नॉट वन प्लस आर डिवाइड बाई हंड्रेड की पावर होल की पावर एन। पी एन हमें जो पॉपुलेशन हमें फाइंड करना है, पी नॉट गिवन पॉपुलेशन इनिशियल पॉपुलेशन जो हमारी है, आर की वैल्यू हमें यहाँ पर मेनली फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, फर्स्ट कॉलम में डिकेड्स जो गिवन है, पॉपुलेशन गिवन है, अब यहाँ पर हम जो हमारा थर्ड कॉलम होगा उसमें ऐड करेंगे परसेंटेज इंक्रीज इन पॉपुलेशन, ठीक है। यहाँ पर परसेंटेज इंक्रीज हम जो है नेक्स्ट कॉलम में करेंगे, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इंक्रीज इन पॉपुलेशन जो हम अर्थमेटिक
मेन मेथड में करते थे। तो यहाँ पर इंक्रीज इन पॉपुलेशन 1981 से 71, ठीक है, ये 10 ईयर का जो टेनर है 71 से 81, इसके बीच में कितना पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ है, ठीक है, अभी हम डिस्कस कर चुके हैं। इसके लिए क्या करते हैं, 81 की पॉपुलेशन को 71 से माइनस कर देंगे, तो 4500। सिमिलरली 91 टू 81 के बीच में कितना इंक्रीमेंट हुआ है, ये हुआ है 5000, और 91 से 2001 के बीच में कितना इंक्रीमेंट हुआ है, वो हुआ है 5700। अब हमें निकालना क्या, परसेंटेज इंक्रीज ग्रोथ, ठीक, या परसेंटेज इंक्रीज या ग्रोथ रेट जो फाइंड करना, उसको कैसे फाइंड करेंगे, जो पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है पर्टिकुलर ईयर्स में, मीन 71 से 81 में इंक्रीज हुई कितना, 4500। हमें परसेंटेज में फाइंड करना है, इनिशियल पॉपुलेशन हमारी कितना था, 20,000, तो हम क्या करेंगे, 4500 से 20,000 को डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई बाई 100 कर देंगे, और हमें ऑप्टेन हो जाएगा 22.5%। सिमिलरली 81 से 91 के बीच में कैलकुलेट करेंगे, हमें ऑप्टेन होगा 20.4%। फिर उसके बाद 91 से 2001 के बीच में कितना परसेंटेज पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ है, उसको कैलकुलेट करने के लिए हम जितना इंक्रीज हुआ डिवाइड बाई 29,500, मीन्स जो फाइनल कितना इंक्रीज हुआ है 5700, इनिशियल हमारा कितना पॉपुलेशन था 29,500, और मल्टीप्लाइड बाय 100 की, और हमें ऑब्टेन हो गया 19.3%। अब हमें ये कौन सी वैल्यू है हमारा, ये R1 है, ये R2 और ये R3 है। अब एवरेज आप परसेंटेज में फाइंड करना है, एवरेज फाइंड करने के लिए हमने दो तरीके देखे, कौन कौन सा, एक जो है ज्योमेट्रिक मीन, ठीक, जो ये मेथड है, दूसरा हमने देखा अर्थमेटिक मीन। तो हमें पहले ही पता है जो हमारा अर्थमेटिक मीन की वैल्यू है, जब हम कैलकुलेट करते हैं तो जनरली वो ज़्यादा आता है ज्योमेट्रिक मीन से, तो इसलिए ज़्यादा बेटर होगा, ठीक, हम यूज कर सकते हैं ज्योमेट्रिक मीन का, इसलिए ज़्यादा बेटर होगा कि हम लोग जो है यूज करें अर्थमेटिक मीन से आर की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। तो अब इसको कैलकुलेट करने के लिए क्या, जो ज्योमेट्रिक मीन है उससे कैलकुलेट करेंगे, तो क्या होगा, टी टाइम्स है, कितने नंबर आर टाइम हमारा आर आया है, तो यहाँ पर R1, R2, R3 3 टाइम्स आया है, तो आर टी की वैल्यू यहाँ 3 हो गई, और R1 इंटू R2 इंटू R3 की वैल्यू रख दी, और हमें ऑप्टेन हो जाएगी वैल्यू 20.69%। और जब ज्योमेट्रिक मीन से हम इसको कैलकुलेट करेंगे, ये ज्योमेट्रिक मीन से वैल्यू हमें ऑप्टेन होगी, जब हम अर्थमेटिक मीन से कैलकुलेट करेंगे तो हम क्या करेंगे, R1 प्लस R2 प्लस R3 डिवाइड बाई 3, और इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो हमें वैल्यू ऑप्टेन हो जाएगी 20.73। टोटल वैल्यू हमारा कितना, R1 प्लस R2 R3 की वैल्यू कितना हो जाएगा, टोटल 60.2, और जब इसको एवरेज निकालेंगे डिवाइड बाय 3 कर देंगे तो हमें ऑप्टेन हो जाएगा 20.73। जहाँ जो हम यहाँ पर क्लियर हो रहा है वो ज्योमेट्रिक मीन से वैल्यू ये ज़्यादा है, इसीलिए हम क्या करेंगे यहाँ पर जो अर्थमेटिक मीन जो वैल्यू एवरेज कैलकुलेट किए हैं आर की, उसी को यूज कर रहे हैं। अब पॉपुलेशन में फाइंड करना है इन 2011, फार्मूला हमें पता है PN = P0 1 + R डिवाइड बाय 100 का होल पावर जो है वो है N। 2011 की फाइंड करना है हमें, गिवन है सेम 2011 की फाइंड करना है, गिवन पॉपुलेशन हमें है 2001 की। अब इन दोनों के बीच में कितने नंबर ऑफ डिकेड है, नंबर ऑफ डिकेड्स 1 है, N की वैल्यू हमें पता चल गई, ठीक। उसके बाद R की भी वैल्यू हमें पता चल गई, कितना R की वैल्यू 20.73, ये हमारी जो वैल्यू है R की, इसी को यूज करेंगे। R की वैल्यू 20.73, R इज इक्वल टू 20.73। अब उसके बाद P0 की वैल्यू हमें जो 2001 में पॉपुलेशन गिवन है कितना है, 35,200। अब इन सारी वैल्यूज को इस फार्मूले में पुट करेंगे और कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर एन की वैल्यू क्या, हमें पॉपुलेशन जो फोरकास्ट करनी है, पीएन हमारा क्या, फोरकास्टेड पॉपुलेशन होता है, तो हमारा जो पीएन की जगह पर यहाँ क्या 2011 हो जाएगा, हमें पॉपुलेशन फाइंड करना है 2011 की। P0 की वैल्यू पुट किए, 1 प्लस आर की वैल्यू 20.73 डिवाइड बाई 100 की होल की पावर एन की वैल्यू यहाँ पर कितना है 1, और इसको कैलकुलेट किया आया हमारा 42,496.96, जिसको अप्रॉक्स में हम ले सकते हैं 42,497, यही हमारा पॉपुलेशन 2011 में आएगी। फिर हमें पॉपुलेशन कैलकुलेट करना है 2021 में, सिमिलर सेम फार्मूला हमें यूज करना है, PN = P0 1 + R / 100 की होल पावर N। बस यहाँ पर चेंजेस क्या होगा, N की वैल्यू 2001 की पॉपुलेशन गिवन है, फाइंड करना है 2000
21 की पॉपुलेशन, यहाँ पर नंबर ऑफ डिकेट्स कितने हो जाएगा, 20 ईयर है, मीन्स एन इज इक्वल टू यहाँ पर डिकेट्स जो हो जाएंगे 2 डिकेट्स हो जाएंगे, और यहाँ पर वैल्यू पुट कर देना है। अब यहाँ पर जो पीएन की वैल्यू है, ठीक, यहाँ पर हमें पॉपुलेशन फाउंड करना है किसकी, 2021 की, तो यहाँ पर पी 2021, पी नॉट की वैल्यू पुट किए 1, प्लस आर की वैल्यू हमें पता है 20.73 डिवाइड बाई 100 की पावर होल एन, होल की पावर एन, एन की वैल्यू यहाँ पर कितना है 2 है, 2 पुट कर दियो, कैलकुलेट कर लिए 51,306.58, जिसको अप्रॉक्सीमेट में हम लिखते हैं 2021 में पॉपुलेशन आया है 51,307, ठीक, यही हमारा आंसर हो जाएगा। कौन से मेथड से, ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड से। फिर नेक्स्ट मेथड से सेम क्वेश्चन, ठीक, जो हम अभी देख रहे हैं उसी को अगर हमें सॉल्व करना हो बाई इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड, तो इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं, बहुत ही आसान है, थोड़ा सा चेंजेस है। फार्मूला इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड का हम क्या होता है देखते हैं, पी एन इज इक्वल टू हमें पता है पी नॉट प्लस एन एक्स बार प्लस एन एन प्लस वन डिवाइड बाई टू इंटू वाई बार, ये फार्मूला है हमें पता है। पी एन क्या है हमें पता है, पी नॉट एन एक्स बार एन, ठीक, बस यहाँ पर थोड़ा, यहाँ पर क्या थोड़ा नया है, जो ऊपर के दो मेथड्स हम डिस्कस किए हैं अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक मेथड, वहाँ से थोड़ा चेंज, यहाँ पर क्या एक नया टर्म आया है वो है वाई बार, ठीक। वाई बार को कैसे हम कैलकुलेट करेंगे देखते हैं, डिकेट्स एक कॉलम बनाएंगे जो क्वेश्चन में गिवेन होगा, पॉपुलेशन गिवेन होगा, अब उसके बाद जो नेक्स्ट कॉलम बनाए इंक्रीज इन पॉपुलेशन, ठीक है, एक्स की वैल्यू, एक्स हमें कैसे कैलकुलेट करेंगे ऊपर डिस्कस कर लिए हम, ठीक, 71 से 81 के बीच में कितना इंक्रीज हुआ, 4500 हुआ है 81 से 91 के बीच, और 91 से 2001 के बीच में कितना 5700, ये हो गया हमारा एक्स की वैल्यू। अब उसके, और ये हमारा क्या होगा, एक्स का मतलब एक्स वन ये हो जाएगा, ये एक्स टू हो जाएगा, और ये एक्स थ्री हो जाएगा। अब इंक्रीमेंटल इंक्रीज निकालना है, मीन्स जो इंक्रीज हुआ है इसमें इंक्रीज कितना हो रहा है, तो इसको हम निकालने के लिए क्या करेंगे, जो हमारा x2 है, x2 से x1 को माइनस कर दिए, यहाँ पर x2 माइनस x1 किए, और हमें पता चला 5000 से 4500 हम माइनस किए तो हमें कितना आया वैल्यू 500, 500 आया। फिर उसके बाद इस इंक्रीमेंटल इनकी नेक्स्ट हमें फाइंड करना है, यहाँ पर ये हमारा क्या आ जाए, x2 माइनस x1 है क्या, इसको y1 लिख देते हैं, और जो नेक्स्ट है ये कैसे आया, इसको हम करने के लिए x3 से x2 को माइनस कर दिए, x3 माइनस x2, और ये जो हमारा होगा यही हमारा y2 होगा, 5700 माइनस 5000 करेंगे तो आएगा 700, अब y1 y2 पता चल गया, टोटल अगर किए तो x1 x2 x3 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15200, एंड y का अगर टोटल करें जो हमारा इंक्रीमेंटल इनके 500 प्लस 700 इज इक्वल टू हो जाएगा 1200, ठीक। हमें फाइंड क्या करना है, x बार एंड y बार, x बार फाइंड करने के लिए क्या, x का एवरेज मीन्स टोटल डिवाइड बाई नंबर ऑफ टाइम्स, कितने टाइम्स है टोटल हमारा क्या, x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 3, यहाँ पर y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाई 3, यही कर दिया गया है। अब यहाँ पर x1 प्लस x2 x3 प्लस y1 प्लस y2 y3 जितना भी रहेगा, यहाँ पर 3 होता 3, यहाँ पर 3 नहीं है, केवल दो ही टर्म है, तो इसलिए y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2 का यूज करेंगे, क्योंकि y1 और y2 ही यहाँ पर है। तो x1 x2 x3 की वैल्यू टोटल आई है 15200, यहाँ पर पुट किया डिवाइड बाई 3 और कैलकुलेट किया तो हमें मिला 5067। y1 प्लस y2 की वैल्यू कितना है 1200, ठीक, y1 प्लस y2 ऐड किए डिवाइड बाई 2, जब 1200 डिवाइड बाई 2 किया तो हमें पता चल गया कितना वैल्यू आया 600। अब x बार और y बार की वैल्यू हमें पता चल गई, अब इस फार्मूले में हमें डायरेक्टली पुट कर देना है। पॉपुलेशन किस में फाइंड करना है, इसमें भी जो क्वेश्चन सेम ही है, केवल मेथड चेंज है, 2001 की पॉपुलेशन हमें गिवेन है, जो लास्ट की पॉपुलेशन गिवेन है, लास्ट जो इनिशियल पॉपुलेशन वो क्या है 2001 की गिवेन है, फाइंड करना है किसकी किसकी, 2011 की फाइंड करना है, उसके अलावा 2021 की फाइंड करना है। फर्स्टली कैलकुलेट करते हैं पॉपुलेशन इन 2011, 2011 की पॉपुलेशन फाइंड करना है, फार्मूला हमारा पता है हमें, पी एन इक्वल टू पी नॉट एन एक्स बार प्लस एन एन प्लस वन बाई टू इंटू वाई बार। 2011 की फाइंड करना है इसलिए P2011 यहाँ पर मेंशन करेंगे पी एन की जगह पर। पी नॉट की वैल्यू 35200 गिवन है ये वैल्यू। एन एक्स बार, अब हमें अभी जैसे डिस्कस कर चुके हैं ऊपर भी,
2001 और 11 के बीच में नंबर ऑफ डिकेट एन है, इसलिए एन इज इक्वल टू वन। एक्स बार की वैल्यू आया है 5067, एक्स बार की वैल्यू पुट किए, फिर यहाँ पर एन की जगह वन, एन एन प्लस वन डिवाइड बाई टू, वन वन प्लस वन डिवाइड बाई टू, इंटू वाई बार, वाई बार की वैल्यू कितनी आई है 600 पुट किए और इसको कैलकुलेट किए और हमारा वैल्यू आया 40,867 और यही हमारा आंसर हो जाएगा फॉर द पॉपुलेशन इन 2011। सिमिलरली हम पॉपुलेशन कैलकुलेट करेंगे 2021 में, 2021 की पॉपुलेशन फाइंड करेंगे, पी नॉट की वैल्यू पुट किए, यहाँ पर केवल चेंजेस क्या होगा, एन की वैल्यू, क्योंकि हमें 2011 की जो लास्ट पॉपुलेशन है वो गिवन है, 2001 की पॉपुलेशन लास्ट जो है गिवन है, फाइंड करना है 2021, नंबर ऑफ डिकेट्स यहाँ कितने हो जाएंगे, टू। ठीक, अभी हम ऊपर भी डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ पर एन की वैल्यू टू पुट कर दी, एक्स बार की वैल्यू 5067, फिर यहाँ पर एन, एन प्लस वन डिवाइड बाई टू इन टू वाई बार, वाई बार की वैल्यू 600 आया और कैलकुलेट किया और हमें वैल्यू ऑब्टेन हो गई 47,334। ये आंसर हो जाएगा हमारा पॉपुलेशन इन 2021 बाई इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड से। ठीक, ये हो गया हमारा तीनों पर बेस्ड न्यूमेरिकल, हमने एक न्यूमेरिकल किया और एक न्यूमेरिकल को तीनों मेथड से हमने डिस्कस किया, कौन कौन से, एक मेथड फर्स्ट हमारा था अर्थमेटिक मैट्रिक मेथड, दूसरा ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड ज्योमेट्रिक, और थर्ड जो मेथड हमने डिस्कस किया, थर्ड मेथड जो न्यूमेरिकल हमने लगाया वो है इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड, इंक्रीज मेथड। एक न्यूमेरिकल को हमने तीनों मेथड से डिस्कस कर लिया, फिर उसके आगे जो नेक्स्ट मेथड है वो है ग्राफिकल मेथड या रेखा चित्रीय विधि जिसे बोलते हो आप, पॉपुलेशन फोरकास्टिंग, पॉपुलेशन फोरकास्ट करने का ग्राफिकल मेथड। इसमें क्या करते हैं, इन दिस मेथड द पॉपुलेशन ऑफ लास्ट फ्यू डिकेड्स एज पर सेंसस इज करेक्टली प्लॉटेड टू द स्केल ऑन द ग्राफ पेपर, द कर्व इज स्मूथली एक्सटेंडेड टू फाइंड द फ्यूचर पॉपुलेशन। इसमें करते क्या है, हम एक ग्राफ बनाते हैं, ठीक, एक्स एक्सिस एंड ये वाई एक्सिस, जो वाई एक्सिस है इस पर पॉपुलेशन को मार्क करते हैं और एक्स एक्सिस पर मार्क करते हैं हम टाइम, ईयर्स को, ठीक, किसमें, ईयर्स में या डिकेड्स में, डिकेड्स। पॉपुलेशन फाइंड करेंगे, टाइम हमें पता रहेगा, अब इसके बीच में ग्राफ प्लाट करते हैं, ग्राफ पेपर पर प्लाट करते हैं और सपोज करो यहाँ पर किसी भी इंटरवल पर रख दिया, ठीक है, यहाँ पर जो है 10-10 के इंटरवल 10 है, यहाँ पर सपोज करो यहाँ पर 100 है, हम कर दिया, यहाँ का टाइम पीरियड किसी एक पर्टिकुलर टाइम से स्टार्ट हो 1971 से ले लेते हैं और ये 2051 तक गया, ठीक, यहाँ पर कहीं 2031 है मान लेते हैं। अब क्या करना होगा, हम ग्राफ प्लाट कर लेंगे और हमें पर्टिकुलर ग्राफ टाइम हर पार्टिकुलर टाइम के रेस्पेक्ट में, हर किस टाइम के रेस्पेक्ट में, जो 2031 है 21 है, सभी के रेस्पेक्ट में किस ईयर में कितना पॉपुलेशन है उसको हम जो है ग्राफ पेपर पर मार्क कर देंगे एक पार्टिकुलर इंटरवल में, एक निश्चित इंटरवल पर, ठीक है, जितना हम कर सकते हैं। उसके बाद हम एक ग्राफ प्लाट करेंगे जैसे जैसे हमारा पॉपुलेशन इंक्रीज कर रहा है, ठीक, सपोज करें जैसे जैसे टाइम इंक्रीज कर रहा है पॉपुलेशन इंक्रीज कर रहा, तो ऐसे ग्राफ प्लाट कर लेंगे। अब इस ग्राफ को प्लाट करने के बाद हमें पता है इस पॉइंट पर कितना पॉपुलेशन है, सपोज करो यहाँ पर है, ठीक, और यहाँ पर जो पॉपुलेशन थाउजेंड्स में है ये पॉपुलेशन, और हम मान लेते हैं यहाँ पर हमने 20 मार्क या 18 मार्क किया, ठीक, ये 20 का कॉलम है और यहाँ पर सपोज करो हम 18 का कॉलम है, और हमें यहाँ पर हमें बताना है ये पर्टिकुलर ईयर जो है 2021 का, हम मान लेते हैं 2021, हमें पॉपुलेशन बताना है कि इस पॉइंट पर कितना है, ठीक है, तो यहाँ पर अगर 18 मार्क किया है, ठीक, तो हम सीधे सीधे यहाँ देख लेंगे 2021 में इस पॉइंट पर जो पॉपुलेशन है, मीन्स ये पॉइंट यहाँ पर देखें कितना ईयर है 2021, और पॉपुलेशन यहाँ से देख लेंगे 18,000 है, लेकिन इन केस अगर 10 और 20 के इंटरवल के बीच में मार्किंग नहीं की गई है तो हमें क्या करना होगा, बीच की पॉपुलेशन फाइंड करने के लिए यहाँ पर हम जो मेथड का यूज करते हैं वो यूज करते हैं इंटरपोलेशन, इंटरपोलेशन मेथड को लगा के हम लोग फाइंड कर लेते हैं कि बीच की पॉपुलेशन क्या है, अगर एग्जैक्टली किसी पॉइंट पर मीट कर रहा है। देखो इस कर्व से देखो, जैसे हमें यहाँ की पॉपुलेशन फाइंड करना है, ठीक, तो यहाँ का ईयर हमें पता होना चाहिए, यहाँ पर लाइन खींचे और ये लाइन,
यहाँ पर पॉपुलेशन है पता है 30,000 से। अब ईयर नहीं पता, ईयर के लिए यहाँ पर इंटरपोलेशन लगाएंगे। और अगर सपोज करो इस पॉइंट पे, ठीक यहाँ का हमें ईयर पता है और हमें इस पर्टिकुलर पॉइंट की पॉपुलेशन नहीं पता, 30,000 और 40,000 के बीच की पॉपुलेशन नहीं पता है, तो यहाँ क्या करेंगे इंटरपोलेशन लगाएंगे और हम फाइंड कर लेंगे 2001 में पॉपुलेशन इस पॉइंट पर कितना है। देखो इसमें करना कुछ नहीं होता, हमें करना क्या रहता है, केवल हमें जो कुछ सेंसस हुई है, जो लास्ट में सेंसस हुई जनगणना हुई, उसके आधार पर हमें वैल्यू फाइंड कर लेना है और उस वैल्यू को हम क्या करेंगे प्लॉट कर देंगे एक ग्राफिकल फॉर्म में, किस पर ग्राफ पेपर पर टाइम के रेस्पेक्ट में, और हमें जिस पर्टिकुलर टाइम पर हमें वैल्यू फाइंड करना है इस ग्राफ से देखकर हम फाइंड कर लेते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट मेथड है कंपेरेटिव मेथड, तुलनात्मक विधि। तुलनात्मक विधि क्या होता है, इसमें हम क्या करते हैं कंपैरिजन करते हैं, एज ए नेम ही ये क्लियर है। इन दिस मेथड सिटी इज हैविंग सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक टू द सिटी हुज पॉपुलेशन इज टू बी एस्टिमेटेड आर सेलेक्टेड एंड ऑन द बेसिस ऑफ दो सिटीज द पॉपुलेशन ऑफ द रिक्वायर्ड सिटी इज फोरकास्टेड ग्राफ में बी आल्सो प्लॉटेड इफ नेसेसरी। क्या बता रहा है, अगर सपोज करो हमारे सिटीज हैं कुछ, सपोज करो सिटी ए बी सी एंड डी, फोर सिटी हैं ठीक, और इन चारों सिटीज की पॉपुलेशन हम क्या कर चुके हैं पहले से फाइंड कर चुके हैं, इनकी पॉपुलेशन एस्टिमेटेड है ठीक, एस्टिमेटेड पहले से पता है कि पार्टिकुलर ईयर्स में कैसे कैसे पॉपुलेशन इनकी वेरी की हमें पता है, और किसी ई सिटी की हमें पॉपुलेशन फाइंड करना है। तो हम देखेंगे इस ई सिटी की कैरेक्टरिस्टिक कैसी है, यहाँ का ग्रोथ रेट क्या है, उसके अलावा यहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है ठीक, यहाँ का क्लाइमेटिक कंडीशन कैसा है, यहाँ पर कितनी इंडस्ट्रीज है, सारी चीज़ें यहाँ पर चेक कर लेंगे हमें पता हो जाएगा। उसके बाद हम मैच कराएंगे सिटी ए बी और सी और डी से कि किस सिटी से इसकी जो है कैरेक्टरिस्टिक्स मिल रही है, और अगर जिस सिटी से मिल रहा है सपोज करो ई को जो है मैच कराया इन ए बी और सी डी से, इन चारों सिटी में डी से इसकी क्वालिटी मिल रही है, तो अगर डी से क्वालिटी मिल रही है तो जो ग्राफ हमें पहले से जो डेटा पता है डी का, उसी के डेटा के बेसिस पर हम बता देंगे कि हाँ ई की पॉपुलेशन कैसे इंक्रीज कर रहे हैं। मीन्स अगर जो हमारा डी है हमें पता है कि 10 10 ईयर के इंटरवल पे, मीन्स एक डिकेड में यहाँ पर जो पॉपुलेशन है लगभग अप्रॉक्स जो है 5,000 जो है इंक्रीज कर रही है, और इसकी इसकी करेक्टरिस्टिक मिल रही है, तो हम ये बोल देंगे कि जो ई की भी पॉपुलेशन है 10 ईयर के इंटरवल पर अप्रॉक्स 5 के इंक्रीज कर रही है या डिक्रीज कर रही है, तो बोलेंगे डिक्रीज कर रही है। तो यहाँ पर क्या करते हैं हम जो है जिस पार्टिकुलर सिटी की पॉपुलेशन फाइंड करना है उन सिटी से कंपेयर कराते हैं जिनका पहले से पॉपुलेशन हम फाइंड कर चुके होते हैं, और देखते हैं अगर करेक्टरिस्टिक सिमिलर मिल जाती कौन सिटी से कंपेयर कराएंगे, जिस सिटी के करेक्टरिस्टिक्स हमारी सिटी से जिसकी पॉपुलेशन फाइंड करना है उससे मिल रही है उससे कंपेयर करेंगे और बता देंगे कि इसकी पॉपुलेशन किस रेट में इंक्रीज कर रही है या डिक्रीज कर रही है ठीक है। आई होप सभी को सारे मेथड्स क्लियर हो गए होंगे। हमने पॉपुलेशन फोरकास्टिंग में आज हमने डिस्कस किया, इसके अलावा मास्टर प्लान मेथड्स भी होते हैं, लेकिन जितने मेथड्स हमने दिखाए लगभग लगभग ये सफिशियंट मेथड्स हैं, इसी पर बेस्ड जो है आपको यूनिवर्सिटी एग्जाम में क्वेश्चंस मिलेंगे। न्यूमेरिकल्स आएगा तो अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक मेथड, अदरवाइज इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड से आ सकता है। उसके अलावा जो यूनिवर्सिटी एग्जाम में लिखना रहेगा ये पांच जो आपके टाइप्स हैं ये सफिशियंट है आपको एग्जाम में लिखने के लिए। पॉपुलेशन फोरकास्टिंग में हमने जो फर्स्ट मेथड देखा है अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड, दूसरा हमने देखा ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड, थर्ड हमने देखा इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड, उसके बाद हमने देखा ग्राफिकल मेथड, फिर कंपेरेटिव मेथड। ये पांच मेथड हैं, इन तीनों मेथड्स पर हमने न्यूमेरिकल्स देख लिए हैं। आई होप सभी को समझ में आया होगा, आप सभी लोग नोट्स प्रॉपरली बनाते रहें, और जो भी हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। अगर आपको समझ में आ रहा है चैनल को लाइक करें, और लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।